सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पामगढ़ के सद्भावना भवन में अनुसूचित जाति आयोग ने जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में संविधान एवं एस्ट्रोसिटी एक्ट सहित अनुसूचित जाति के हक अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक लोगों का सम्मान भी किया गया। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे एक विशेष न्यायालय का दर्जा है। न्यायालय की तरह वो काम करता है और विशेष करके अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्याय के लिए ही आयोग की स्थापना है। अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार के तहत जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शारीरिक, मानसिक और किसी भी क्षेत्र में यदि उनको अपराधित किया जाता है, अपमानित किया जाता है या उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से नुकसान पहुंचाया जाता है तो आयोग में उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई करके उनको त्वरित न्याय दिलाने का काम किया जाता है। भवन में पामगढ़ में भीम रेजिमेंट के पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत कोहका के दबंग कोटवार को निलंबित करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने घेराव किया। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भीम रेजिमेंट के प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। मनेंद्रगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार के तहत पीएम आवास ना मिलने से हितग्राहियों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने ग्रामीण आवास देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस आवासहीन गरीब परिवारों से खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान भाजपा नेताओं और हितग्राहियों ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफ नीतियों के विरोध में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। क्या है पूरी बात बताएं? देखिए, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से आवास आना बंद हो गया है। जो अधूरा है फिफ्थ लेवल पे है, किसी हितग्राही का, किसी का डोर लेवल पे है, किसी का पहला दूसरा किस्त भी नहीं मिल पाया है। आज कहीं ना कहीं हितग्राही परेशान है और उसे से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारी प्रदेश नेतृत्व के दिशानुसार हम लोग गांव-गांव में जाकर फार्म भी भरवाए हैं और फार्म भरा के वो ज्ञापन आज क्योंकि विधानसभा लेवल भी तहसीलदार को भी ज्ञापन देने का था, एसडीएम को भी था और विधायक निवास घेराव करने का था, लास्ट में जिला मुख्यालय घेराव करने का था कि हम जिला में इतने बताएंगे कि हमारे जिले में कितने आवास। छत्तीसगढ़ में विगत 4.5 सालों में 16 लाख ऐसे पात्र हितग्राही जिनका प्रधानमंत्री आवास आज तक बन जाना था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हठ धर्मिता के कारण, सिर्फ इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम इस प्रधानमंत्री आवास में लगा हुआ है, उसके चलते उन्होंने 16 लाख ऐसे परिवारों का मकान छीनने का काम किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता उनके ही वरिष्ठ मंत्री माननीय टी एस सिंहदेव जी ने ये कहते हुए पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिया कि हम गरीबों का मकान बनाने में असफल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था।
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस टीम की एक क्राइम मीटिंग ली। इस क्राइम मीटिंग में 11 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाया गया। वहीं इस पुलिस सम्मान समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक समेत जिले के सभी SDOP और थाना प्रभारी मौजूद रहे। मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है और काफ़ी अच्छे लड़के हैं यहाँ, काफ़ी हमारा स्टाफ काफ़ी एक्टिव है। तो उसी सिलसिले में अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे जवानों के द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा, खासकर ये समन्स वारंट की तामिली हो गई और गिरफ्तारी वारंट और अस्थाई वारंट की पकड़ धकड़ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और एक अभी हाल फिलहाल एक भंगुरसिया जगह पे एक अटेम्प्ट किया गया था, मतलब लूट का अटेम्प्ट किया गया था, जिसे तत्काल जो है हमारे लड़कों के द्वारा उनको पकड़ा गया। उसी तरह कापू छाल वाले एरिया में भी एक अटेम्प्ट हुआ था लूट का, उसमें भी तत्काल मौके पे पहुंच करके उनको पकड़ा गया। तो उनको जो है और भी कई क्षेत्रों में, कई जगह हर अच्छे काम किए हैं, तो उन्हें जो है हमारे द्वारा पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा 5 मार्च को रायगढ़ पहुंचेगी, जहां शहर के कोतरा रोड में पदयात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं कलश यात्रा के साथ शहर भ्रमण करते हुए गौरीशंकर मंदिर में पदयात्रा का समापन होगा। पूरे प्रदेश में 4 स्थानों से निकाली जाने वाली संत पदयात्रा का समागम 19 मार्च को रायपुर में होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदू स्वाभिमान संत पदयात्रा निकल रही है, जो रायगढ़ में माँ चंद्र सेनी यात्रा के नाम से आ रही है, जो जसपुर सगोरा आश्रम से होके कोरबा जिले होते हुए, खरसियाँ होते हुए रायगढ़ आएगी। रायगढ़ यह 5 तारीख को आएगी यात्रा, जिसका कोतरा रोड से हम लोग भव्य स्वागत करके वहाँ से कलश यात्रा पदयात्रा रहेगी। सुभाष सत्यकुड़ी चौक से बूढ़ीमाई मंदिर होते हुए स्टेशन चौक और सुभाष चौक गौरीशंकर मंदिर में उसका समागम होगा, और वहाँ पे हिंदू सभा का संबोधित करके वो यात्रा वहीं पे समापन होगी। फिर दूसरे दिन 6 तारीख को आशीर्वाद होटल से यात्रा पुनः अपने रूट से होते हुए अपना कोड़ा तराई चंद्रपुर होते हुए। छत्तीसगढ़ में विभिन्न विषयों को लेकर के, जैसे कि हिंदू समाज में या धर्म धार्मिक चेतना के विषय को लेकर के, अखंड भारत के विषय को लेकर के और सामाजिक समरसता के उद्देश्य से सत्य सनातन संत समाज की एक यात्रा निकली है, अभी हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा। ये 4 अलग छत्तीसगढ़ में 4 अलग अलग यात्राएं निकली हैं, चंद्रहासिनी यात्रा, बमलेश्वरी यात्रा, दंतेश्वरी यात्रा। रायगढ़ में नगर निगम में साधारण सम्मेलन में 15 एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया। इस साधारण सम्मेलन पर शहर विकास के मुद्दे नहीं होने से भाजपा के पार्षदों में विरोध था, साथ ही कई मुद्दों पर विपक्ष पक्ष ने सहमति प्रदान की। शहर विकास और जनहित के मुद्दों पर आपसी सहमति के साथ प्रस्ताव पारित किया गया। रायगढ़ में पुलिस कंट्रोल रूम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में जिले भर के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी थानों के कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने जुआ सट्टा और अवैध शराब पर लगाम लगाने की बात कही और गांजा एवं अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। ये एक रेगुलर रूटीन की चीज़ है और सभी थाना प्रभारी और SDOP के उसके कार्य की समीक्षा की गई। थाना स्तर पर लंबित अपराध, लंबित मर्ग और जो पुराने जो मामले हैं, खासकर हमारे पुराने मामले जो छूटे हुए हैं, जो जिसकी विवेचना चल रही है लेकिन उसमें और प्रगति आए, उसको लेकर के आज ये मीटिंग ली गई, और उस ताकि जल्द से जल्द मामले का निराकरण किया जा सके।
कोंडा गांव में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में हितग्राही और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा के इस आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की, साथ ही विधायक कार्यालय के पास बैरिकेड्स भी लगाए गए। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जो कोंडा गांव के बस्तर क्षेत्र से स्थानीय विधायक हैं, उनके आवास को हम घेरने आए हैं। हम सड़क की लड़ाई विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 16 लाख गरीबों के आवास को छीनने का पाप किया है। इसलिए हमें लड़ाई लड़ रहे हैं और 2023 में जब ये सरकार बेदखल होगी तो सभी गरीबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को आवास देगी। उन्हें चेताने के लिए, उन्हें आगाह करने के लिए कि आप मुख्यमंत्री से बात करें और जो 16 लाख गरीबों का आवास आपने बंद करके रखा है उन्हें वापस उस आवास को प्रारंभ करें, क्योंकि आपकी गलत नीति की वजह से आज छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका आवास नहीं मिल रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोग उनकी आंसू रो रहे हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, परिवार की तरफ से हम सब विधायक जी के निवास को घेर लिया। महासमुंद में मोर आवास मोर अधिकार के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हजारों ग्रामीण सरायपाली विधायक के आवास का घेराव करने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पक्का मकान नहीं मिल पाया है। वहीं कुछ आक्रोशित लोगों ने विधायक निवास के सामने जोरदार उग्र प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस की काफी प्रयासों के बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में किया गया। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 36 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कई जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनोखा प्रदर्शन करते हुए नव दुर्गा के स्वरूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासकीय कर्मचारी का दर्जा, प्रदेश में रिक्त पदों की भर्ती जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दुर्गा स्वरूप में कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की, साथ ही राज्यपाल के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अकलतरा के मिनी माता चौक के पास मजदूरों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के दौरान पिकअप में 10 मजदूर सवार थे, जिन्हें घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अकलतरा में पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। बता दें कि आरोपी फर्जी पुलिस की वर्दी पहनकर मोटरसाइकिल में घूमकर अवैध वसूली करता था। आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल और वर्दी बरामद कर ली गई है, साथ ही आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। महासमुंद में वन विभाग तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए तमाम व्यवस्थाएं करती नजर आ रही है। इसी क्रम में वन कष्टागार में एक दिवसीय साख कर्तन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अध्यक्ष विकास निगम समेत कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता संग्रहण छत्तीसगढ़ की महती योजनाओं में एक है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को समुचित सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है। तेंदुपत्ता लगभग कहीं तो 200 साल से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम चल रहा है। अपने अपने स्तर पे बीड़ी बनाने का काम होता रहा था।
छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इकट्ठा किया जाता है। उसका प्रथम चरण होता है बूटा कटाई। तो बूटा कटाई या प्रूनिंग या शाख कर्तन उसको बोलते हैं, वो करने के लिए लोगों को एक संवेदनशीलता लाने के लिए आज का एक कार्यशाला रखा गया था। आज महासमुंद वन मंडल के अंतर्गत बसना और सरायपाली पिथौरा तेंदुपत्ता जो शाख कर्तन होता है प्रतिवर्ष, उसका शुभारंभ होना है। और शुभारंभ होने के पहले हर साल कार्यशाला के रूप में यहाँ पे आयोजित किया जाता है कार्यक्रम, और सभी जो वनोपज संघ के इकाइयाँ हैं गांव में सारे लोगों को बुला करके इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा जाता है, किस तरह से अपन वहाँ पे बूटा कटाई करें जिससे तेंदुपत्ता आने वाले सीजन में अच्छी क्वालिटी का मिले। और इसी के संदर्भ में ये कार्यशाला है और ये संपन्न हुआ। साथ ही साथ अन्य जो समस्या है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करके उसके निराकरण की दिशा में कार्य किया जाता है। नारायणपुर में पुलिस महानिदेशक ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में नक्सलियों से निपटने के उपाय बताए गए, साथ ही जिलों में चल रहे नक्सल अभियान की जानकारी दी गई और पिछले कुछ समय से क्षेत्र में हो रहे नक्सल गतिविधियों और घटनाओं के संबंध में चर्चा भी की गई। वहीं क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के दौरान सुरक्षा एवं सावधानियां और नक्सल अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अन्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए जो फोर्सेस के जवान के साथ ये उधर तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी से जो रूबरू होकर जो वर्तमान में TCOC के द्वारा माओवादियों का किस प्रकार के जो मोडस ऑपरेंडी किस प्रकार का उनका घटना का अंजाम दी जा रही है उन सब घटना के बारे में समीक्षा की गई थी, और आने वाले समय में इस टाइप की घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए क्या कुछ सावधानी ले सकता है और अपना काउंटर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इस संबंध में काफ़ी विस्तार रूप से जवानों से अधिकारियों से सबसे वार्तालाप हुआ। फिर उसके पश्चात आने वाले समय में हम लोग अपना कार्य को और किस तरीके से और बेहतर रणनीति के साथ कर सकता है इस संबंध में विचार विमर्श हुआ। ये पूर्व में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 4 वर्ष में लगभग 60 के आसपास जो कैंप स्थापित करके इलाके में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को भी गति प्रदाय की जा रही थी, उसमें काफ़ी एक उल्लेखनीय जो परिवर्तन मैदान में देखने मिल रहे थे। नक्सली के कहीं ना कहीं इस परिस्थिति में बौखलाहट है, उस बौखलाहट में TCOC अवधि में क्या कुछ उनका साजिश हो सकता है, इन सब संबंध में हम लोग डिटेल से चर्चा की गई थी और आने वाले समय उस हिसाब से अपना एक रणनीति बनाकर काम करेगा। सरायपाली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खेत में जुआ खेल रहे जुआरियों को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने बताया कि कुछ लोग रुपए पैसे का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी, जहां कुछ व्यक्ति जुआ खेलते पाए गए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसके बाद आरोपियों को जुआ एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।